नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। पड़ोसी देश चीन के साथ सीमा पर हुई हिंसक झड़प में देश के 20 जवान शहीद हो गए। चीन की इस हिमाकत पर पूरा देश गुस्से में। कुछ लोगों का गुस्सा चीन पर उतर रहा है तो कुछ लोग हैं जो मोदी सरकार पर बरस रहे हैं। ऐसे कठिन समय में भी दुश्मन देश चीन के खिलाफ एकजुटता नहीं दिखा रहे लोगों को कवि कुमार विश्वास ने सख्त नसीहत दी। चीन की चुनौतियों से निपटने में जुटी मोदी सरकार को ही घेरने में जुटे लोगों को लताड़ते हुए कुमार विश्वास ने कहा, प्यारे देशवासियों, देश हर तरह की चुनौतियों से मुखातिब है। ऐसे कठिन समय में अपनी अपनी निजी मान्यताओं और एजेंडों को अलग रखकर गंभीरता से केवल और केवल देश के हित के साथ रहिए। उत्तेजना व हल्केपन से बचिए। साथ ही ये भी सदैव याद रखिए, नंद मगध नहीं है। नेताओं और सियासी दलों से भी अपील करते हुए विश्वास ने कहा, हे नेताओं, पार्टियों, समर्थकों, बीजेपी के नेता का विरोध करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। पहले भी किया है, बाद में भी कर लेना, पर इस वक्त दुश्मन को दरार दिखाना देश के खिलाफ है। इस वक्त तो चीन के खिलाफ पूरा देश अपनी सेना, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के साथ होना चाहिए। देशवासियों से एकजुट रहने की अपील करने वाले कुमार विश्वास ने एक और ट्वीट कर कहा, हम सब गुस्से में, हम सब चिंतित हैं, हम सब बेचैन हैं, लेकिन इस उत्तेजना के बीच कुछ भी अनर्गल बोलने लिखने से पहले उन परिवारों के बारे में भी सोचिए जिनके बेटे हमारी आपकी रक्षा के लिए आज शहीद हुए हैं। भारतीय सेना, पूरा देश आपके साथ है। हमें आप सब पर पूरा भरोसा व बेहद गर्व है। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में सोमवार रात को दोनों देशों की सेना में जोरदार हिंसक झड़पें हुई। सीमा पर हुई इस हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के भी 40 से ज्यादा पीएलए सैनिकों के मारे जाने की खबर है। चीन के इस दुस्साहस के बाद मोदी विरोधियों को जैसे मौका मिल गया है सियासी बयानबाजी करने का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो बुधवार को एक ट्वीट कर कहा, पीएम मोदी चुप क्यों है, वो छुप क्यों रहे हैं।